इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे हम बिजी में सेल वाउचर के अंदर एंट्री को पास करते हैं। सेल वाउचर पर जाने के लिए हम जाएंगे ट्रांजैक्शन के अंदर, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा सेल्स का, इसके ऊपर एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, ऐड, मॉडिफाई और लिस्ट। यहाँ पर हम बस यूज करेंगे ऐड ऑप्शन को और मॉडिफाई ऑप्शन को। नया बिल बनाने के लिए हम यूज करेंगे ऐड वाले ऑप्शन को, किसी बिल को मॉडिफाई करना होगा तो यूज करेंगे मॉडिफाई वाले ऑप्शन को। टोटल सेल लिस्ट हम कहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे सबसे आखिरी के अंदर। अभी हम बात करते हैं मॉडिफाई ऑप्शन के बारे में। जैसे अभी हमने बात करी कि किसी भी बिल को अगर हमने मॉडिफाई करना है तो हम यूज़ करेंगे मॉडिफाई ऑप्शन को। जो भी बिल आप मॉडिफाई करना चाहते हैं उस बिल का नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे, उसकी डेट डालेंगे और यहाँ पर ओके प्रेस कर देंगे। जैसे ही हम ओके के ऊपर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर वो वाउचर ओपन हो जाएगा। अब हम वाउचर के अंदर जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं वो मॉडिफिकेशन हम कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये हमसे पूछता है कि हमको इसको प्रिंट करना है या नहीं करना। अगर हमको बिल को प्रिंट करना है तो यस के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर बिल को प्रिंट नहीं करना तो नो के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हम जानते हैं कि कैसे एक न्यू बिल को क्रिएट किया जाता है। ट्रांजैक्शन के अंदर जाएंगे, सेल्स के अंदर जाएंगे, ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आता है डेट का, यहाँ पर हम आज की डेट डाल देंगे। एंटर प्रेस करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आने के बाद F7 प्रेस करेंगे, जो भी हमने लास्ट वाउचर के अंदर वाउचर नंबर डाला होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। आप पीछे से एक नंबर हटाएंगे और उसके आगे वाला एक नंबर डाल देंगे। जैसे यहाँ पर 112 नंबर है तो नेक्स्ट बिल नंबर होना चाहिए 113, तो इसको मैं हटाकर 3 लिख दूंगा तो 113 हो जाएगा। एंटर प्रेस करके आगे बढ़ेंगे। अब हमको सेल टाइप बताना है, तो अगर आप बिल सेम सिटी के अंदर काटेंगे तो LGST यूज़ होगा, वहीं अगर आप बिल किसी दूसरी सिटी के लिए काटेंगे तो IGST यूज़ होगा। जैसे अभी मैं गुजरात के अंदर हूँ तो अगर मैं किसी गुजरात की पार्टी को अपना बिल दूंगा तो यूज़ करूँगा LGST। वहीं अगर मैं किसी दूसरी सिटी की पार्टी को बिल देता हूँ तो यूज़ करूँगा IGST, मतलब गुजरात के बाहर कहीं भी बिल देता हूँ तो यूज़ होगा IGST। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है I/GST 12%, 18%, 28%, 5%, ऐसे ही बहुत सारे हैं, एग्जेम्प्ट, टैक्सेबल, जीरो रेटेड। सेम आपको इंट्रा स्टेट के लिए भी ऑप्शन मिल जाएंगे। जो आप आइटम बेच रहे हैं अगर उसके ऊपर टैक्स 12% वाला आता है तो आप यूज़ करेंगे 12%, ऐसे ही 18, 28 या 5% आता है तो आप उस हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जिस पार्टी को आप माल भेज रहे हैं उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। एंटर प्रेस कर आगे बढ़ेंगे। जो भी आइटम आप बेचेंगे वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर डाल देंगे, आइटम की क्वांटिटी और रेट डाल देंगे। यहाँ पर इसको आप एरो की से मूव कर सकते हैं। कोई भी आइटम आपसे गलत डल जाती है तो आप उसको डिलीट करेंगे F9 से। आइटम डालने के बाद हम F2 प्रेस करेंगे तो हम बिल सन्ड्री वाले सेक्शन के अंदर आ जाएंगे। जो भी आइटम के ऊपर हम एक्स्ट्रा कॉस्ट चार्ज करना चाहते हैं वो हम यहाँ पर डालेंगे, जो भी होगा आप अपने हिसाब से डालेंगे। F4 प्रेस करेंगे तो ये टैक्स को कैलकुलेट कर लेगा। वापस से F2 प्रेस करेंगे, बिल को रेफरेंस देंगे। अगर आप इसको ट्रांसपोर्ट से डिस्पैच करना चाहते हैं तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की डिटेल आप डाल देंगे और इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये हमसे पूछता है कि वाउचर को हमको प्रिंट करना है या नहीं करना। अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो यस के ऊपर क्लिक करेंगे और अगर इसको प्रिंट नहीं करना चाहते तो नो के ऊपर क्लिक करेंगे। सेल्स लिस्ट देखने के लिए
हम जाएंगे डिस्प्ले के अंदर, अकाउंट बुक्स, अकाउंट रजिस्टर्स, स्टैंडर्ड को ओपन करेंगे, सेल्स रजिस्टर, ऑल सेल टाइप को सिलेक्ट करेंगे, ऑल पार्टीज, और इसको ओपन कर देंगे। यहाँ पर जितने भी बिल आपने क्रिएट किए होंगे वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। कोई भी बिल ओपन करने के लिए आप सिंपल उसके ऊपर एंटर प्रेस करेंगे, वो बिल ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से भी इसको एडिट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर आपने जाना कि कैसे हम बिल को क्रिएट करते हैं, परचेज बिल को कैसे एंटर करते हैं। जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करें। बिजी से डायरेक्ट मेल कैसे सेंड करते हैं, जानने के लिए राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करें।